Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर। स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर में ये होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चा जो है वो बगैर किसी मकसद के अपने हाथ को ऊपर करके जो है वो हिला रहा होता है। या अगर कोई आप देखते हो बच्चों को देखते हो तो वो अगर किसी से बात भी कर रहे होते तो वो टेक नहीं पा रहे होते, बस मूवमेंट में होते हैं। मतलब कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी हाथ एक ही मूवमेंट में हाथ हिला रहे होंगे, तो कभी एक ही मूवमेंट में हाथ ऊपर कर रहे होंगे, तो कभी एक अपने बार बार किसी चीज़ के साथ अपने सर को मार रहे होंगे। अक्सर देखा होगा किस तरह बच्चे होते हैं कि जो मतलब एक जगह पे टिक नहीं पा रहे हो। पिछले कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर में हमने ये पढ़ा था कि उनकी मोटर स्किल नहीं सही तरह परफॉर्म हो रही होती, मतलब वो सही तरह चल नहीं पा रहे होते, किसी चीज़ को कैच नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनकी एक डिसेबिलिटी तो हम कह सकते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हम ठीक काम करें लेकिन उनसे हो नहीं रहा होता, ये चीज़ होती। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी है कि यहाँ पे कोई मकसद बगैर किसी मकसद के, यानी यहाँ पे एक बच्चा जो है वो मे बी इंटेलेक्चुअली, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उस कोऑर्डिनेट डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर में। लेकिन यहाँ पर जो है स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर में मे भी हो सकता है कि एक बच्चा इंटेलेक्चुअल भी ठीक ना हो, उसका जहनी तोज़न भी ठीक नहीं हो ना हो, और तब ऐसी हरकतें कर रहा हो, तब जो है वो कभी पाँव मार लगातार मार रहा है किसी चीज़ को, तो कभी एक जगह पर खड़ा हो के जो खुद हिल रहा है। मूवमेंट में उसको चलने फिरने में कोई मसला नहीं है, ना किसी चीज़ को कैच करने में भी उसको कोई मसला नहीं, सब कुछ उसका ठीक चल रहा है। लेकिन उसमें एक मसला यह है कि वो किसी एक जगह पे अकड़ा होके टिक नहीं पा रहा, बस कभी एक मतलब लगातार अपनी मूवमेंट जो है वो कर रहा है, बात कहीं अगर कोई उससे बात भी करे तो बात को इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उससे कंसंट्रेट नहीं कर रहा और अपने ही उसमें लगा हुआ है, और सर को कभी हिला रहा है तो कभी इसकी सर को किसी जगह पे मार रहा है, या कभी खुद कोई चीज उठा के अपने सर पे मार रहा होता है। ये सेल्फ इंजूरियस एक्टिविटीज होती हैं, अपने आप को खुद इंजर कर रहा होता है। और ये बाज़ुकात जो है वो किसी जब स्वेयर लेवल पे जब किसी को ये डिसऑर्डर होता है तो इवन ये वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी कर लेता है, बहुत ज़्यादा जख्मी भी कर लेता है अपनी इन हरकतों की वजह से, अपने आप को मारना, लगातार मारना, वो कुछ इस तरह की हरकतें होती हैं। तो इसमें वो लोग कहते हैं कि इसमें हो सकता है कि न्यूरो डेवलपमेंटल कोई डिसऑर्डर यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसमें हो सकती है, कि उसका इंटेलेक्चुअल यानी उसका जहनी तोज़न भी ठीक नहीं हो सकता, और उसके साथ साथ हम उसको ये डिसऑर्डर भी डायग्नोज करके दे सकते हैं, यानी स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर भी डायग्नोज करके दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो उसके हालात होंगे, जो उसकी हरकतें इस तरह होंगी, तो ऑब्वियसली उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा, उसके सोशल लाइफ एक्टिविटीज के ऊपर भी असर पड़ेगा, वो कोई उससे बात भी नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो अगला बंदा डर जाएगा कहीं ये ना हो मुझे जख्मी ना कर दे, वो तो खुद को जख्मी कर रहे हैं बातों करते वक्त, ना मेरी बात सुन रहे है ना। तो इस टाइप की जो है उसकी सिचुएशन होती है, और ये जो सिम्टम्स इसके होते हैं आंसेट इसका जो है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में ही उसका पता चल जाता है, मतलब चाइल्डहुड में ही पेरेंट्स को पता चल जाता है कि इसके साथ कोई मसला है। ठीक है, तो यह हमेशा ये बात याद रखते हैं कि उसके मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पिल सही रहा है कि सब कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन बस पर्पजलेस जो है मतलब बगैर किसी मकसद के जानबूझ के जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा है, कभी हाथ हिला रहा होते लगातार बात करते वक्त, कभी खुद हिल रहा होते लगातार, कभी सर को हिला रहा होता है तो कभी सर को मार रहा होता है, कभी खुद को मार रहा होता है। तो इस टाइप की पर्पजलेस कोई मकसद नहीं होता, बस ये भी बस जो है वो अपने आप को इस तरह इस चीज़ों में इन्वॉल्व करता है। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.